हेलो स्टूडेंट्स, हेयर वी आर अगेन विद आवर न्यू टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज हम अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। लेकिन एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं पीछे हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में और किस तरीके से हमने सारे चैप्टर की जो बेसिक बातों से लेकर सारी एडवांस बातें जानी है। स्टार्टिंग में हमने जैसे फ्लोरा फौना का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उनका इम्पैक्ट पढ़ा था, वो क्या होते हैं, किस तरीके से वो हमारे लाइफ में रोल प्ले करते हैं, इकोसिस्टम जो होता है वो कैसे बनता है, और व्हाट इज बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, और हम किस तरीके से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को इकोलॉजिकल सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने फ्लोरा फौना के बाद हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि कितने प्रकार, कितने टाइप्स के फॉरेस्ट अवेलेबल हैं जिनको गवर्नमेंट के अनुसार बांटा गया, कुछ अनक्लासिफाइड है, प्रोटेक्टेड है, रिजर्व फॉरेस्ट है। तो वो सारे गवर्नमेंट के द्वारा किए गए वो सारे के सारे टॉपिक्स थे, सॉरी सारे के सारे फॉरेस्ट थे जो कि हमारी गवर्नमेंट ने अप्लाई किए हैं सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में हमारी कम्युनिटी ने क्या योगदान दिया। कम्युनिटी का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल बोल सकते हो आप, या एक जगह पर रहने वाली हैबिटेट है जो हमारे लोग रहते हैं सारे के सारे एक जगह पे, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं, और उन्होंने हमने फॉरेस्ट को बचाने में अपना क्या योगदान दिया है। टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बाद हमने प्रोजेक्ट टाइगर को पढ़ा था, वहाँ की हमने न, जब भी हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके बाद किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने एक रोल प्ले किया था जिसमें टाइगर्स की जो संख्या थी बहुत ज्यादा कम हो गई थी, उसके लिए हमारे प्रोजेक्ट टाइगर आया था, हमने उसके भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, वो आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। जैसे हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे वैसे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने से पहले मस्ट एक बार सारे वीडियो को रिकॉल कर लेना है, और इनको 2x की स्पीड में आप देख भी सकते हैं। फटाफट इन वीडियोज को देखना और उसके बाद क्वेश्चन आंसर को मेरे सोल्व करने से पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करना। सबसे पहले आपका एनसीईआरटी होंगे, उसके बाद पीवाईक्यू होंगे, उसके बाद एडिशनल असर्शन रीजन और केस स्टडी बेस्ड सारे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के होने वाले हैं। और उन सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे तो बोर्ड में आपका कोई भी रीजन नहीं रहता कि जिससे आपके एसएस के स्कोर अच्छा नहीं होगा, आप जो सारा सब कुछ यहाँ से पढ़ कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कम्युनिटी और कंजर्वेशन कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी कम्युनिटी है जो जंगल में रहती है वो अपने फॉरेस्ट को सबसे पहले, उनको सारी भी नीड्स हैं जो बेसिक नीड्स हैं जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि फूड से लेकर और वहां पर फोडर तक, जहाँ पर एनिमल का जो चारा होता है वो एनिमल का फूड है, या फिर हमारी जो फूड है फ्रूट्स वगैरह के ऊपर जो आधारित है, या फिर कोई हंटिंग वगैरह करते हैं, तो ये सारी जनजातियां लोग जो हम हमारी कम्युनिटी है जो कंजर्वेशन के रूप में फॉरेस्ट को देखते हैं, उनको कंजर्व करती है। तो उस सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज नोन एज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री। ये जो कंजर्वेशन की स्ट्रेटेजीज आ रही है ये नई नहीं है, ये पिछले बहुत समय से चलती आ रही है, जिसमें कुछ कम्युनिटी ना अपने हमारे फॉरेस्ट को बचाने में योगदान देती रही है। उन वो चाहे हम 1947 की बात कर लें या हमारे कॉलोनियल पीरियड की बात कर लें, उनके लिए कोई चीज सेक्रेड है, किस चीज को बचाना चाहते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं, तो उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा सेक्रेड माने जाते हैं और उनको बचाने की वो पूरी कोशिश करते हैं। ये तो इंसान की ग्रीड है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में इस मेटेरियलिस्टिक जो जमाना आ गया बेटा आपका, तो इसकी वजह से फॉरेस्ट को खत्म किया जा रहा है, और अपनी ग्रीड के कारण उस चीज को निपटाने के लिए आपके इन फॉरेस्ट वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे वी ऑफ्टन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। मैं इसी की बात कर रहा था कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारे कुछ ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब है जो पीछे से चलता आ रहा है, कुछ ऐसी हमारी यहाँ पे फॉरेस्ट की कम्युनिटी है जो उनका घर है, वो जहाँ पे रहते हैं हम उनके लिए होम टाउन है। तो अगर वो फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो उनका घर भी नहीं रहेगा। तो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज प्रेजेंट है इंडिया में, जो कि आपकी इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि फॉरेस्ट आर आल्सो होम ऑफ द सम ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ लोग आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिटी है जो किससे बिलोंग करती है, ओनली ये आपके सीधे सीधे फॉरेस्ट से बिलोंग करती है, और इनको बाहरी वाला जो जमाना उससे लेना देना कुछ नहीं होता। ये जंगल में ही अपनी सारी एक्टिविटीज को निभा लेती है, और इनकी जो भी रिसोर्सेज जरूरतें सारी की सारी फॉरेस्ट पूरी कर देता है। जैसे अगर हम मेडिसिन की बात करें वो भी इनको फॉरेस्ट से मिल जाती है, अगर हम फूड वगैरह की बात करें तो वो भी इनको वहां से मिल जाता है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा तो उसमें भी कोर्ट वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, ग्राम पंचायत इन सारे मामलों को सुलझा लेती है। तो ये ज्यादातर आपके आउटसाइड का जो वर्ल्ड है उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं फॉरेस्ट में, और ये इनका एक ट्रेडिशनल चीज है जो बरसों से चलता आ रहा है। तो आगे देखिए,
In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitat. देखो struggle किसकी वजह से कर रही है? हमारी वजह से कर रही है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहते हैं सेकेंडरी सेक्टर में. वी आर डेवलपिंग कंट्री बेटा, जिसका जिक्र हमने पीछे भी किया था. हम डेवलपिंग कंट्री हैं और हमारा सबसे मेन जो चीज है जिस सेक्टर में हम अपना योगदान ज्यादा देना चाहते हैं वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन. और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होगा तो सीधा सीधा रिसोर्सेज के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है. ना तो ये प्राइमरी सेक्टर में होता, ना ये टर्सरी सेक्टर में होता है. ये होता है सीधा प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में. प्राइमरी सेक्टर पे थोड़ा सा दबाव क्या रहता है, हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं हम, थोड़ी सी हमारी जो जरूरतें होती हैं उनके लिए हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जैसे ही सेकेंडरी पीरियड आता है उस टाइम पर ये आपको बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है फॉरेस्ट के ऊपर. तो इसीलिए लोकल कम्युनिटी आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलोंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिकॉग्नाइज दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड. देखना अलोंग विद गवर्नमेंट भी उनके साथ है, गवर्नमेंट भी उनका साथ देती है. रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर, ये सिक्योर कर सकता है देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड. लॉन्ग टर्म का मतलब है अगर इनकी कोई एक पीढ़ी कोई भी मान ले, इनके बच्चे भी यहीं पे सरवाइव करेंगे, ये भी यहीं पे सरवाइव करते आ रहे हैं, और इनके जो पिछले जो कम्युनिटी थी, जो इनके दादा वगैरह थे, वो भी यहाँ पे सरवाइव करेंगे. तो इसमें भी गवर्नमेंट इनका साथ दे रही है. और ये क्या कर रहे हैं बेटा, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करने में. देखें कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में हम देखें, इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है. सरिस्का टाइगर रिजर्व बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे प्रेजेंट है. तो कुछ टाइगर रिजर्व की हमने पीछे बात की थी, जैसे मानस टाइगर रिजर्व हमारा असम में प्रेजेंट है. तो इस तरीके से हमने कुछ टाइगर रिजर्व है पीछे पढ़े थे. तो ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये हमारे लिए एमसीक्यू के तौर पर इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ऐसे याद रखना आपको कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, राजस्थान में. विलेजर हैव फोट अगेंस्ट माइनिंग बाय सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. जहाँ पे लोगों ने लड़ाई लड़ी किसके लिए, अगेंस्ट माइनिंग. वहां पे क्या हो रही थी बेटा, माइनिंग की साइट बनाई जा रही थी. तो वहां पे उस टाइगर रिजर्व में लोगों ने माइनिंग के खिलाफ क्या किया बेटा, लड़ाई लड़ी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, और वहां पे माइनिंग को होने नहीं दिया. तो ये भी एक सुटेबल उन्होंने स्टेप उठाया कि इसको कंजर्व करने में, फॉरेस्ट वगैरह को कंजर्व करने में. आगे देखिए कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये सारी की सारी कम्युनिटी कहाँ पे फॉरेस्ट में रहती है, सब कुछ. जैसे द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेज. इनहेबिटेंट्स यहाँ पे क्या मतलब होता है, लोगों की बात, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी बात हो रही है. टू 5 विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरो देवता का सेंचुरी. मतलब जो इनहेबिटेंट्स है, 5 गांव के लोग थे जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, राजस्थान में, उन्होंने 1200 हेक्टेयर जमीन को, फॉरेस्ट को भैरो देव डाकोर सोनचुरी के नाम पर कंजर्व कर दिया है. और इनको क्या बना दिया बेटा, सोनचुरी का मतलब सेंचुरी के रूप में बना दिया, कि यहाँ पे कोई भी दूसरी आउटर एक्टिविटी नहीं हो सकती, और हमने इसको कंजर्व कर दिया और उसको सोनचुरी का नाम दिया है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विलेजेस के इनहेबिटेंट्स भी हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. दे डिक्लेयर देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उन्होंने खुद के ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं विच डू नॉट अलाउ हंटिंग. तो वो क्या अलाउ नहीं करते वहां पे, हंटिंग एंड प्रोटेक्टेड द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट्स. एनक्रोचमेंट्स का मतलब बाहरी कोई भी एक्टिविटी होती है बाहरी, तो उसको वो वाइल्ड लाइफ के खिलाफ है, वो ऑन रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है. विच डू नॉट अलाउ हंटिंग, तो वो हंटिंग को जरा सी भी वहां पे परमिशन नहीं है. एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट्स, उनको रिजर्व कर रहे हैं. आगे देखिए नेचर वर्सिप. मैंने देखो अब सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में आप पढ़ोगे तो इसमें हम पढ़ेंगे कैसे लोग हमारे नेचर की पूजा करते हैं, उनके लिए जैसे कुछ पशु हैं या कुछ पेड़ पौधे हैं उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो. ये हमारी क्या बेटा, ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है. हमारे नेचर को क्या करना है बेटा, उसकी पूजा करना. अगर आप देखोगे तो जब भी हमारे, अगर भारत की बात होती है, जब भी नई कोई फसल आती है, किसी फसल की कटाई होती है, तो हमारे देश के अलग अलग पार्ट में वहां पे फेस्टिवल मनाए जाते हैं जिसमें नेचर की पूजा की जाती है. तो एक बात बताइए, जब वो फसल कटाई पे आती है तो उसके पूजा का मतलब ये होता है हम थैंक यू बोलते हैं नेचर को कि उनने हमारे खाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके दिया है. तो इसमें वो नेचर को धन्यवाद करते हैं. चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लो, या आप नॉर्थ की बात कर लो, या साउथ की बात कर लो, बहुत सारी जगह पर हमारी जैसे ही फसल कट के तैयार होती है, जैसे ही वहां पे हार्वेस्टिंग होती है, तो वहां पे तो अलग अलग वहां पे क्या बोलते हैं उसको, फेस्टिवल के रूप में
को बनाया जाता है बेटा। तो आगे देखिए, सेक्रेड ग्रोव्स इट इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। तो सेक्रेड ग्रोव को यही यहां से अंडरस्टैंड कीजिए आप, ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर, जिसमें जैसे नेचर ने जिसको क्रिएट किया है, चाहे उसमें आपके एनिमल्स आते हैं, चाहे उसके आप में एनिमल्स के अलावा आपके पेड़ पौधे आते हैं, सब चीजों को किसने क्रिएट किया है बेटा, नेचर ने। तो उन सबको क्या करना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे सच बिलीव हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन फ्रॉम कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव। देखो यहाँ पे एक नया वर्ड है वर्जन फॉरेस्ट। तो वर्जन फॉरेस्ट का मतलब जहां पर कभी भी कोई भी एक भी एक्टिविटी नहीं हुई है इन द प्रिस्टीन फ्रॉम कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव, तो उनको क्या नाम दिया जाता है बेटा, सेक्रेड ग्रोव। और किसी कारण सच बिलीव है प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन फ्रॉम कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव, जिनको हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रोव, जिनको पवित्र माना जाता है। सेक्रेड का मतलब क्या होता है बेटा, पवित्र माना जाता है, तो इसीलिए वहां पे उनको जैसे पवित्र माना जाता है उनकी पूजा की जाती है। तो उन सबको कोई भी एक्टिविटी लोगों ने अपने रूल्स और रेगुलेशन के कारण उसको कभी भी किसी भी एक्टिविटी को वहां होने नहीं दिया, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव्स। द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, तो ये कैसे फॉरेस्ट माने जाते हैं जो किसके, भगवान या किसी देवी के हैं, या तो गॉड हो सकता है या गॉडेसेस हो सकता है, या तो किसी भगवान के नाम से या किसी देवी के नाम से इन्होंने फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखा है। आगे देखिए, दीज पैचेज ऑफ फॉरेस्ट और पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट, ये पैचेज ऑफ फॉरेस्ट का मतलब पार्ट्स, मतलब पार्ट हो सकते हैं किसी फॉरेस्ट का। जैसे मान लो बहुत ज्यादा बड़े हेक्टेयर में कोई आपका वो फैला हुआ है कोई आपका फॉरेस्ट, और उसके कुछ पार्ट को 2 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर को सेक्रेड ग्रोव्स के कि यहाँ पे एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं बेटा, वहाँ के लोकल पीपल करते हैं। एंड एनी इंटरफेरेंस विद देम इज बैंड, और कोई भी इंटरफेरेंस वहाँ पे होती है तो क्या हो जाती है, वहाँ पे बैंड होती है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, सर्टेन सोसाइटी द पर्टिकुलर ट्री है विच दे हैव प्रिजर्व टाइम फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। देखो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है लंबे समय से, टाइम इमेमोरियल इसको क्या बोलते हैं, टाइम इमेमोरियल का मतलब है बहुत लंबे समय से उसको क्या करते आ रहे हो, प्रिजर्व करते आ रहे हो, उसको बचाते आ रहे हैं। सर्टेन सोसाइटीज रेवरी ए पर्टिकुलर ट्री, एक पर्टिकुलर ट्री को क्या करते आ रहे बेटा, वो रिजर्व करते आ रहे हैं। द मुंडाज एंड संथाल नागपुर रीजन, देखो यहाँ पे कुछ ट्राइब के नाम से पीछे आपको दिखाई भी दे रहा है, मुंडाज एंड संथाल है बेटा ये कुछ आपके ट्राइब्स हैं, ये जो कहाँ कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, नागपुर रीजन से बिलोंग करते हैं। आगे देखिए, महुआ ट्री और कदम्बा ट्री, एक तो कौन सा ट्रीज है बेटा, कदम्बा ट्रीज और एक महुआ ट्रीज है, इनकी इनके द्वारा क्या की जाती है बेटा, वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है। ये आपके पेपर में आ सकते हैं बेटा, किन किन ट्रीज हैं जो कि सेक्रेड ग्रोव्स के रूप में माना जाता है, ऐसे कौन से पेड़ हैं जिनकी आप जिनकी वर्शिप की जाती है, तो कौन से है वो, या तो फिर महुआ ट्रीज है या फिर कदम्बा ट्रीज है। आगे देखिए, टू मैनी एस पीपल एंड बन, हमारे यहाँ पे भी जो पीपल या बनियान ट्री है जिसको हम बरगद भी बोलते हैं, वो भी क्या हमारे लिए कंसिडर सेक्रेड माने जाते हैं, वो भी हमारे लिए क्या माने जाते हैं, पवित्र माने जाते हैं। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे पीछे एक बरगद का पेड़ है, आपको बनियान ट्री के बारे में दिखाया गया, ये क्या है बेटा, बहुत ज्यादा हमारे लिए पवित्र है, इसके चारों ओर जैसे पूजा भी की जाती है ना, इसके यहाँ पे इसके नीचे दिए जलाए जाते हैं और पूजा वगैरह भी की जाती है। तो पीपल के टेर को वहां पे हम इस पेड़ को वर्शिप नहीं कर रहे हैं, बल्कि पेड़ के जरिए से हम नेचर की वर्शिप कर रहे हैं, हम पेड़ के जरिए से हम नेचर को बताना चाहते हैं कि हम आपकी वर्शिप कर रहे हैं, तो पूरे नेचर की क्या की जाती है, वर्शिप की जाती है। आगे देखिए, यहाँ पे आपको एक ट्राइब दिखाई दे रही है, इंडियन सोसाइटी कंप्राइज सेवरल कल्चर्स है हमारे यहाँ पे, ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, उनके खुद के क्या है, कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ऑफ कंजर्विंग नेचर, नेचर को कंजर्व करने के एंड इट्स क्रिएशंस को कंजर्व करने के बेटे। तो ये क्या है बेटा, इंडियन सोसाइटी में कंप्राइज सेवरल कल्चर्स एंड ईच विद ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, और वी कैन सी दैट सेट ऑफ रूल्स ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड इट्स क्रिएशन है बेटा, उनको कंजर्व करने के उनके ओन रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे सेक्रेड क्वालिटीज आर ऑफ्टन एस्क्राइब टू स्प्रिंग्स माउंटेन पीक्स हो सकती हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, और एनिमल्स विच दे आर क्लोजली प्रोटेक्टेड, उनको क्या करते हैं बेटा, वो क्लोजली प्रोटेक्टेड करते हैं, ये हमारी कम्युनिटीज का ट्रेडिशन चलता आ रहा है। ये देखिए, यू फाइंड ट्रूप ऑफ मस्कोज एंड लंगूर्स अराउंड मेनी टेम्पल देयर फेड डेली, बहुत सारे आपको ना पेड़ों के आसपास किसी मंदिर के आसपास आपको मेनी टेम्पल के यहाँ पे क्या मिलते हैं बेटा, आपको बंदर मिलते हैं, और बंदर को क्या खिलाया जाता है, वहां से जो भी
पूजा पाठ करने आता हूँ, बंदरों को क्या खिलाता है, कोई केले लेके आता है, कोई चूरमा खिला देता है, तो उनको भी वहां पर एनिमल को भी क्या पूजा हम पूजा की जाती है। जैसे हिंदू कम्युनिटी में बंदर को किसका अवतार माना जाता है, बजरंग बली का, जो हनुमान जी होते हैं उनका अवतार माना जाता है। तो इसलिए हम वाइल्ड लाइफ में बंदर वगैरह की भी पूजा हम करते हैं, जो कि बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह उसके अराउंड आपको दिख सकते हैं। अगर द फेमस चिपको मूवमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा चिपको मूवमेंट इन द हिमालय, आज कहाँ की बात हो रही है, हिमालय है एक सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफोरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। इसने बहुत सारे रजिस्टर्ड किया था बेटा डिफोरेस्टेड एरियाज को इन सेवरल एरिया में। चिपको मूवमेंट क्या था एक्चुअल में, बहुत सारे लोगों ने जो पेड़ पौधे थे उनके साथ उनके चिपक गए थे उसके चारों ओर। जैसे यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा है ना, ले लीजिए, अगर बड़ा पेड़ था तो उसके चारों तरफ उन्होंने चक्कर बना लिया था, या कोई पेड़ छोटा था तो उसको चिपक गए थे कि इन पेड़ों को काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। तो इसको फेमस चिपको मूवमेंट बोला गया था, पेड़ों से चिपकना था, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या पड़ा था बेटा, चिपको मूवमेंट इसका नाम पड़ा था। द चिपको मूवमेंट इज मूवमेंट दैट प्रैक्टिस द गांधीयन मेथड, किसको, गांधी मतलब विदाउट वायलेंस के, इसके बहुत सत्याग्रह नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस था, थ्रू द एक्ट ऑफ हगिंग ट्री, ट्री को हग कर लिया टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग फेल्ड, फेल्ड का मतलब उनको गिराने से पहले, गिराने का मतलब कोई हम तो गिरने वाला है नहीं, वहां पे कोई भी मान लें मशीन वगैरह आई थी या कोई दूसरे साधन जिसके द्वारा पेड़ों को काटा जा रहा था, उससे पहले वहां पे उनको क्या कर लिया गया था बेटा, उनको चिपक गए थे लोग उनसे। और चिपकने का मतलब यह था कि पेड़ों से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, और एक रेजिस्ट किया था फॉरेस्ट को बचाने के लिए। आगे देखिए, इट हैज आल्सो शोन द कम्युनिटी अफोरेस्टेशन। देखो अफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना, विद इंडाइजिनियस स्पीसीज डन एनोमलीसली सक्सेसफुल। ये क्या हुई थी बेटा, बहुत सारे स्पीसीज थे उसके रिलेशन में क्या हुई थी, एनोमलीसली सक्सेसफुल, इसका मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल के तौर पर ये क्या हुई थी, सक्सेसफुल भी हुई थी। अटेम्प्ट टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड और डेवलपिंग न्यू मेथड ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड। देखो अटेम्प्ट टू रिवाइव करने के लिए ट्रेडिशनल कंजर्वेशन जो हम करना चाह रहे हैं मेथड्स में, और डेवलपिंग न्यू मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसका न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, आर नाउ वाइड स्प्रेड, और ये फैला हुआ बेटा चारों तरफ। जैसे जैसे यहाँ देखिए, फार्मर एंड सिटीजन ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन, ध्यान रखना बेटा, एन टिहरी एंड नवदन्या हैव शोन दैट एडवोकेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन। ध्यान रखना बेटा मैंने क्या क्या बताया है, फार्मर और सिटीजन का एक ग्रुप है जिसका नाम है बीज बचाओ आंदोलन टिहरी में, और एक नवदन्या है बेटा हैव शोन द एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन बेटा। तो इन्होंने एक दिखाया है एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन, लेकिन उसके साथ साथ एक जो चीज ध्यान रखने की वो ये है, विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल, जो कि इकोनॉमिकली वायबल भी है और पॉसिबल भी, केमिकल के बिना, विदाउट यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें जैसे पहले आप खाद का इस्तेमाल नहीं करते थे, पहले आप इनऑर्गेनिक इस्तेमाल नहीं ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करते थे, जैसे खाद भी अगर यूज करनी तो पशुओं के द्वारा जो उनका वेस्ट होता उसको आप खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे, दैट्स वाई इन्होंने सिंथेटिक केमिकल का यूज नहीं किया और इसको इकोनॉमिकली वायबल बनाया। क्योंकि देखो जैसे हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं उसका इम्पैक्ट भी हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर अगर हमने फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल किया तो हमारे खाने के रूप में हमारे पास आता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज है बेटा उनका असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो सिंथेटिक केमिकल के बिना भी जैसे क्रॉप्स वगैरह को प्रोडक्शन करना वो भी बहुत सही होता है, वो भी एक बहुत अच्छा कदम है। कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम आता है बेटा उसके बाद। अब ज्वाइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट है क्या, देखिए JFM involve local communities in the management and restorations of degraded forest. वहाँ पे local communities हैं बेटा, उनकी management करती हैं और restore करती हैं दोबारा degraded forest है उनको, जो forest को क्या कर दिया गया, degraded कर दिया गया है। अब जिसका मतलब क्या, joint forest management में क्या है बेटा, आपकी government भी involve होती है, इसको बोलते हैं joint forest management। और इसमें क्या होता है, और ये pass the first resolution for joint forest management का MCQ में आ सकता है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का सबसे पहले ऑर्डर दिया था, सबसे पहले पास किया था रिजोल्यूशन, दैट इज नोन एज ओडिशा ने दिया था। जेएफएम डिपेंड्स ऑन, जेएफएम मींस वही जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द
फंडामेंट सॉरी फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन, क्या बना दिए, लोकल विलेज के इंस्टीट्यूशन को बना दिए, दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज, जो कि क्या करते हैं, प्रोटेक्शन की एक्टिविटीज को करते हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज उनके द्वारा होती हैं कि भाई हमारे जंगलों को कैसे बचाया जा सकता है, हम अफोरेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से वो सारे काम करते हैं। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इट इज मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, जो फॉरेस्ट लैंड क्या हो गई, डिग्रेशन हो गई है एंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और किसके द्वारा मैनेज की जा रही है बेटा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मैनेज की जा रही है। इन रिटर्न द मेंबर्स आर गिवन इंटरमीडिएटरी बेनिफिट लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, देखो नॉन टिम्बर है ये ध्यान रखना बेटा, आप लकड़ी नहीं ले सकते लेकिन दूसरे जो प्रोड्यूस है फॉरेस्ट के, जो बाकी जितने फल हैं या गम है या रबड़ है या दूसरी है, बहुत सारी टिम्बर के अलावा वहाँ के जो प्रोड्यूस है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन के साथ, बिल्कुल सक्सेसफुल प्रोटेक्शन होगी। लेकिन वहाँ पर नॉन टिम्बर है बेटा वहाँ पर, क्योंकि अगर आप टिम्बर के लिए फॉरेस्ट को करोगे तो पेड़ों को काटना होगा तो वही बात हो जाएगी, वहाँ पे कंजर्वेशन कैसा अगर आपने पेड़ों को काट दिया। लेकिन अगर कोई ट्रेडिशनल प्लांट है और जिससे आपकी मेडिसिन वगैरह बनाई जा सकती हैं, या उस ट्रेडिशनल प्लांट के द्वारा आप दूसरे जो उसके चीजें हैं जैसे फल वगैरह हो गया, या आपकी कोई मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड हो गया, या बार्क ऑफ ट्री हो गया, या फिर फ्रूट वगैरह हो गया, ये सारे की सारी चीजें आप नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे टिम्बर को लेके आने की परमिशन नहीं होती है। द ट्री इज लास्ट में देखिए बेटा, द ट्री इज पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बेनोलेंस, बेटा बिल्कुल काइंडनेस भी इसके अंदर और बेनोलेंस भी है, क्योंकि एक पेड़ हमसे कभी भी कुछ मांगता ही नहीं है, अगर एक बार पेड़ उग जाता है उसके बाद तो ये पानी भी मांगना बंद कर देता है, उसके बाद ये सिर्फ देता ही रहता है, आपकी ऑक्सीजन को साफ करता है, अपने वेस्टेज के रूप में आपको ध्यान रखते हैं, ये बहुत सारे फलों वगैरह देता है, छाया प्रदान करता है, हमारी सोइल इरोजन को बचाता है, हमारे इन्वायरमेंट को शुद्ध करके रखता है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग में जो CO2 की मात्रा बढ़ रही है उसको मैनेज करके रखता है। तो कोई भी फॉरेस्ट हमारा होगा पेड़ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंडनेस एंड मेलनेस एंड मेक्स नो डिमांड फॉर इट सस्टेनेंस, मेरी वही बात आएगी ना, कोई डिमांड ही नहीं है, एंड एक्सटेंड जनरली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी, तो हम इसकी लाइफ एक्टिविटी को क्या करना चाहिए बेटा, एनहेंस करना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए। इट अफोर्ड प्रोटेक्शन टू ऑल बींग्स एंड ऑफनिंग सेड इवन टू एग्जामिन हु डिस्ट्रॉयड, ये अफोर्ड करता है प्रोटेक्शन ऑफ ऑल बींग की, इवन ऑफरिंग सेड इवन टू द एक्समैन, जो भी एक्समैन है बेटा जिसने इसको काट दिया है, जिसने इसे डिस्ट्रॉयड कर दिया है बेटा, उसकी भी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी यही लेता है, तो इससे ज्यादा कोई भी पेड़ क्या कर सकता है। तो मेरे अपने बेटा ये आपको संकल्प लेना चाहिए कि आप किसी कितने भी पेड़ों को काटने को तो छोड़ दीजिए, आप कम से कम कुछ पेड़ जरूर उगाएं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को फायदा हो। इसमें आप ना सेल्फिश मत होइए, ये मत सोचिए कि ये पेड़ अभी नहीं होने वाला है तो 20 साल के बाद होने वाला है, 10 साल के बाद होने वाला है, तो आपको ये काम करना विदाउट एनी सेल्फिशनेस, इसमें आपकी सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए, बस आपको पेड़ को उगाना और उसके बारे में बंद कर देना, क्योंकि जो पेड़ आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी किसी ने पास्ट में लगाया होगा, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन पेड़ को लगाने की। ये जो सेंटेंस था बेटा, ये सेंटेंस जो था ये आपका किसने, गौतम बुद्धा के द्वारा दिया गया, ये कुछ क्योट था जिसके में उन्होंने बताया था पेड़ हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बेटा ये था आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। उसके अलावा अगर कोई भी, फिर वही सेम चीज, अगर कोई भी आपको परेशानी हुई हो, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो या कुछ कंटेंट आपको लगता है कम है, तो उसको रिलेटेड आप मेरे को कोई भी कमेंट में मैसेज कर सकता है। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपने ये बिल्कुल क्लियर रूप से इस वीडियो के द्वारा आपने चैप्टर को क्लियर कर लिया होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले हैं वो आएंगे आपके इसके क्वेश्चन से रिलेटेड, पहले हम इसमें एनसीईआरटी का सोल्यूशन करेंगे, एनसीईआरटी के सोल्यूशन के बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ असर्शन एडिशन को प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद केस स्टडी को भी हम मतलब उसको भी करने वाले हैं हम चैप्टर के लास्ट में। तो इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे बेटा, जहाँ पे हम अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन या पीवाई के मीनिंग मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। थैंक यू वेरी मच।